पीएम मोदी ने मिट्टी के गणेश की स्थापना की अपील की। इसी अपील का राजस्थान में असर हुआ है। जयपुर के मूर्ति कलाकार ऐसी ही प्रतिमाओं का निर्माण करने में जुटे हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो इसके तहत इको फ्रेंडली प्रतिमा बनाई जा रही है। साथ ही मिट्टी में विभिन्न प्रजाति के बीच डालकर मूर्तियां तैयार की गई है। इन प्रतिमाओं को घर में ही गमले में विसर्जित किया जा सकेगा। गणपति का जन्मदिन है और गणपति के जन्मदिन पर घरों से लेकर मंदिरों और पांडालों में विघ्नकर्ता को स्थापित किया जाएगा, और इसलिए जयपुर शहर के अंदर इस विघ्नकर्ता को ले जाने के लिए जो जयपुर राइट्स है वो पूरी तैयारी कर चुके हैं स्थापित करने के लिए। इको फ्रेंडली बनाया जाए किस तरीके से, क्योंकि POP का इस्तेमाल होता है तो पोल्यूशन फैलता है, इसलिए इको फ्रेंडली की एक थोड़ी सी पहल यहाँ पर की गई है। मूर्तिकारों ने भी की है, साथ ही जो घर घर में स्थापित करेंगे उन्होंने भी की है। हम उनसे जानेंगे, क्योंकि नया कंसेप्ट इस बार जयपुर में आया है, यदि इन मूर्तियों को विसर्जित किया जाएगा तो इसमें गमले के अंदर 2 लीटर पानी में इनको विसर्जित करके, जब विसर्जित होगी तो ये हरियाली, यानी कि कह सकते हैं बप्पा खुशियों के साथ यहाँ पर हरियाली की रिद्धि सिद्धि भी लेकर आएंगे। आपने गणपति यहाँ स्थापित करेंगे, इको फ्रेंडली भी हैं, मिट्टी से बनाए गए हैं, क्या कहें? हाँ सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले जो है ये मूर्तियाँ जो बनाई जाती थी वो POP की बनाई जाती थी, तो जब भी हम विसर्जन करने जाते थे तो वो एक तो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होती थी। डिजोल्व ना होने के कारण वो होता क्या था कि वहाँ पे जो भी तैराक जो भी होते थे वो उन मूर्तियों को ऐसे कैसे निकाल करके और ऐसे पटक देते थे, जिससे कि हमारी जो श्रद्धा जो थी वो भी आघात होती थी जी। उसके बाद में जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना यह है कि आपका जो प्रदूषण नहीं फैले, पर्यावरण में स्वच्छता बनी रहे, उस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हुए हमारे मूर्तिकारों ने अभी एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, जिसके अंदर चिकनी मिट्टी के अंदर उन्होंने कुछ बीज डाले हैं। उससे क्या होगा कि चिकनी मिट्टी आप एक गमले के अंदर भी या पानी की छोटी सी टंकी के अंदर भी अगर आप पानी लेकर के उसमें अगर विसर्जित करेंगे तो ये एक तो डीजल हो जाएगी, दूसरा उस पानी को अगर आप गमले में डाल देंगे तो जो उसमें जो बीज है छोटे छोटे हैं वो अंकुरित हो जाएंगे और वो आपको जो है वर्ष पर्यंत आपको हरियाली की वो। आपने भी बड़े गणपति लिए हैं? हाँ, मैं काफी दिनों से ले रही हूँ, मुझे बहुत साल हो गए, 22 साल हो गए मुझे गणपति लिए। हाँ। लेकिन अभी मुझे ये मिट्टी के ऐसे गणपति मिले हैं जिससे कि हमारे घर में रिद्धि सिद्धि के साथ साथ हरियाली भी आएगी। हाँ। दोनों काम हमारे साथ। अगर आप तो बता रहे हैं कि छोटा सा लिया था और अब थोड़ा सा। पिछले साल छोटा लिया था, इस साल बड़ा लिया है और हर साल बड़ा लेते हुए चलते हैं। ठीक है ना, गणपति है मतलब विसर्जन हम घर पे ही करते हैं। ये गणपति हैं जो पांडालों से लेकर घरों तक विराजमान किए जाएंगे, लेकिन ये खुशियों के साथ इस बार हरियाली की रिद्धि सिद्धि भी लाएंगे। कैमरामैन रवि के साथ दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।